मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और देखिए एकदम रेडी हूं कहां जाने के लिए। वेल, आज मैं माँ को घुमाने ले जा रही हूं पौटा साहेब, डाक पत्थर और आसन बैराज। ये सब एक ही रास्ते में है, तो मैंने सोचा चलिए तीनों जगहों को आज कवर करते हैं। और मेरा काफी टाइम से पौटा साहेब में जो गुरुद्वारा है वहां जाने का भी मन था, तो मैंने सोचा चलिए परफेक्ट टाइम है, वेदर भी बढ़िया है और कंपनी भी अच्छी है, तो आज हम इन तीनों जगहों को कवर करेंगे और हमें कंपनी देंगी सपना मौसी, श्वेता और मेरी माताश्री। तो बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। सपना मौसी और श्वेता जैसे ही आएंगे मैं उनको पिकअप करूंगी नीचे से और फिर मम्मी को लेते हुए फिर हम आगे निकल जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैंने स्कार्फ पहना हुआ है ना, ये सिल्क स्कार्फ, ये मुझे मेरी बहुत ही प्यारी सी जो फ्रेंड है ना रितु, जिसे हम लखनऊ में मिलते रहते हैं, उसने गिफ्ट किया था, सिंगापुर से लेकर आई थी वो मेरे लिए। तो रितु, आई नो यू वॉच माई व्लॉग्स एंड इफ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू सो मच। ये अभी भी देख, मैं यूज कर रही हूँ तेरा ये स्कार्फ जो है, और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत कलरफुल है और बहुत ही प्यारा है ये स्कार्फ। तो रितु एंड रजनीश, थैंक यू फॉर दिस लवली लवली स्कार्फ। तो चलिए बने रहेगा हमारे साथ, इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है, तो आप भी हमारे साथ चलिए, लेकर चलती हूँ आपको। चलिए माँ, रेडी हो? चलो गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो माँ बिल्कुल रेडी है और सपना मौसी और श्वेता भी नीचे पहुंच चुके हैं, तो अब हम उनको लेकर सीधा मम्मी को लेने जाएंगे। चलो माँ। बेटा, तो देखिए हमें किसने ज्वाइन किया है, श्वेता से हाय। सपना मौसी कहाँ है? यार शक्ल तो दिखाओ। हाँ, हाय। तो सपना मौसी और श्वेता ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, अभी मम्मी को लेकर बस हम आगे निकलेंगे। तो गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए रुके हैं, तो सारी बहनें तैयार हैं मजा करने के लिए? सारी बहनें तैयार हैं? और ये आ गई मेरी माता श्री। और देखो ये आ गई मेरी माता श्री, मम्मी ढोक दिनचू। तैयार हो घूमने के लिए? 8 बजे से? नहीं नहीं, ये गलत बात बोल रहे हो। जो गलत बात मैंने बोला था 8 बजे वो लोग वहाँ से निकलेंगे, 8:30 बजे हमारे घर से निकलेंगे, ये बोला था मैंने। सीट में पानी खसे जा। किसको पानी की छाड़ी आपका? तो फाइनली सारी सवारियां भर चुकी हैं, सब अपना अपना किराया दो फिर हम चलेंगे आगे। किराए में क्या चाहिए, चाय या पकोड़े? हाँ दोनों चाहिए। और ये सामने है चैटवुड हॉल, यहीं से सारे पासिंग आउट परेड्स होते हैं। ये देखिए, और ये शुरू हो गया सेलाकुई का जंगल। ये स्ट्रेच मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ड्राइव करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एकदम खुली खुली सड़क और घने घने जंगल, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल रिकॉर्डिंग करने का भार श्वेता ने संभाल रखा है, मैं ड्राइव कर रही हूँ और साथ साथ अपनी रनिंग कमेंट्री भी दिए जा रही हूँ। छंटी, सबसे पहले गुरुद्वारा चलेंगे, वापस आते समय फिर आसन बैराज में। और गाइस, सेलाकुई में ये है ज्वाला माता का मंदिर और उसके बिल्कुल बगल में है खाटू श्याम जी का मंदिर। अभी हम नहीं रुक रहे हैं, वापस आते समय रुकेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो संध्या की जो आरती होती है वो अटेंड करेंगे, अगर सही समय पर वापस आ पाए तो। तो चलिए। हेलो बड़ी मम्मी। हेलो। हेलो आंटी। हेलो दी। और ये जो सामने प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, JBIT जहाँ पे लिखा हुआ है इसके बगल में, ये सपना मौसी का है। तो कितने करोड़ों की संपत्ति है सपना मौसी, कितना लूट कर ले जाए आपसे। और ये शुरू हो गया है आसन बैराज का एरिया, अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हाँ, पता जरूर कर लेंगे कि बोटिंग चल रही है या नहीं, बोटिंग करा रहे हैं या नहीं, उसके बाद वापस आते समय हम यहाँ रुकेंगे। पहले हम जो पौटा साहेब का गुरुद्वारा है वहाँ जाएंगे, उसके बाद वापसी में हम यहाँ पे बोटिंग करेंगे। अभी देखिए पानी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बोटिंग तो हो रही होगी। बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, सुबह और शाम को दिखेंगे वो आपको बर्ड्स, दिन के टाइम में नहीं दिखाई देते हैं इतने। ये देखिए थोड़े बहुत बर्ड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे पानी में, ये देखिए, ये देखिए। वापस आते समय आपको अच्छे से दिखाऊंगी, फिलहाल तो हम गाड़ी नहीं रोक रहे हैं। ये देखिए जो छोटा सा टापू है यहाँ पे भी आपको, ये देखिए बर्ड्स नजर आ रहे होंगे,
तो इनमें से काफी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं। तो मैं थोड़ी देर गाड़ी रोक कर पूछूंगी जरूर कि बोटिंग हो रही है या नहीं। तो ये है आसन बैराज, मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है बोटिंग के बारे में पूछने के लिए। तो बोटिंग 11:30 बजे से यहाँ पे शुरू होगी, तो फिलहाल तो अभी 11:45 ही हो रहे हैं, तो हम थोड़ा आगे निकलेंगे पोटा साहिब से, वापस आते समय फिर हम बोटिंग करेंगे यहाँ पे आसन बैराज। ये रही श्वेता, ये रही सपना मौसी, दोनों माएं अंदर बैठी हुई हैं, पता नहीं क्यों नहीं, बंदरों के डर से नहीं निकल रही हैं बाहर। तो बस यहाँ पे हम पता करने के लिए रुके थे और बोटिंग हो रही है तो वापसी में यहाँ पे रुकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ फोटोग्राफी चल रही है। और गाइज ये हम निकल पड़े हैं पोटा साहिब की तरफ, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधा घंटा मुझे लगता है और लगेगा। लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम कहीं पे रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, देखते हैं कहीं पे भी अच्छी जगह दिख जाए कोई, तो ब्रेकफास्ट और चाय के लिए रुकेंगे। और इतने प्यारे व्यू के साथ हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए, वैष्णो ढाबा। धूप अच्छी लग रही है ना, और व्यू बहुत प्यारा है सामने। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कैनाल है पूरा, ये देखिए पानी। इस व्यू के साथ हम चाय पी रहे हैं और यहाँ हमारी चाय पार्टी हो रही है। गर्मा गर्म चाय तो आ गई, थैंक यू भैया। ये रही हमारी चाय, चलो सब नदी किनारे बैठकर चाय पीने का मजा ही और है, क्यों है ना? बिल्कुल। कैसा लग रहा है माँ? मम्मी कैसा लग रहा है? माता श्री बढ़िया जी, बढ़िया। और ये देखो हमारे परांठे भी आ गए, आलू प्याज का परांठा है, साथ में है माँ की दाल और हरी चटनी। माँ खाओ, मम्मी खाओ। कैसा है मम्मी? माँ कैसा है? अच्छा है, चटनी अच्छी है। तो चलिए हम भी श्री गणेश करते हैं। बहुत गर्म है, बाप रे। बढ़िया था ना? एक में अचार ले, अचार नहीं अचार ले ले। चटनी बहुत मजेदार है आंटी, बहुत ही बढ़िया, तीखी और चटपटी, मजा आएगा। हरियो परचानी, लहसुन प्याज पीसो हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलते हैं। ये भी अच्छा है। A few moments later. तो ब्रेकफास्ट में तो मजा आ गया, बहुत मजा आ गया सबने, हमने डेढ़ डेढ़ दो दो पराठे खा लिए, इतना अच्छा था, चटनी बहुत बढ़िया बनाई थी। तो बस ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अब हम सीधा जाएंगे पोटा साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करके फिर वापस लौटेंगे, और आसन बैराज में जाते वक्त आसन बैराज में हो सका तो बोटिंग करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो नाश्ता करके बस अब निकल पड़े हैं हम दोबारा से पोटा साहिब के लिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये हम उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल में एंटर कर गए हैं, यहाँ से उत्तराखंड की सीमा जो है वो खत्म हो जाती है, ये है लास्ट पॉइंट। और देखिए वो सामने नजर आ रहा है पोटा साहिब का गुरुद्वारा, यहीं हम जाने वाले हैं। फिलहाल हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ब्रिज क्रॉस करते ही हमें लेफ्ट टर्न लेना है और हम इस गुरुद्वारे में पहुंच जाएंगे। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हिमाचल एंटर करते ही एक टोल टैक्स चौकी आती है, उस चौकी से करीब 50 मीटर आगे लेफ्ट साइड में एक पतली सी लेन है, उस लेन में हम अंदर घुस गए हैं और बस थोड़ा सा आगे जाकर ये गुरुद्वारा आ जाता है। तो चलिए वहाँ पहुँच कर आपसे मिलते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं पोटा साहिब के गुरुद्वारा। ये तो हम गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं, बस अंदर एंटर करने ही वाले हैं। जय बाबा। ये है गुरुद्वारा पोटा साहिब का। तो हमने अपनी पूरी फैमिली के जूते इसमें डाल दिए हैं, वहाँ जमा करा देंगे अभी।
इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके, है ना माँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाओ माँ, बोले सोने हाल सच्ची अकाल। तो सब अंदर जा चुके हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़ी हूँ ताकि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी पूजा करने के बाद, थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं भी पूजा करने के लिए अंदर जाऊँगी। बहुत ही सुंदर है ये गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर और इतना साफ सुथरा है ना। तो चलिए मैं आपको पूरा टूर देती हूँ इस गुरुद्वारे का। और बिल्कुल नदी के किनारे है ये, दिखाती हूँ आपको। काफी बच्चे आए हुए हैं स्कूल से। ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए, वो जो सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा है ना, वहां से हम लोग आए थे। तो ये हम आए हैं पोटा साहिब। पीछे सीन देखिए, बहुत ही प्यारा है, मजा आ गया, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर। अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, आनंद आ गया। और यहाँ मेरी चटोरी माँ, मेरी चटोरी सासू माँ, मेरी चटोरी बहन, इन सबको भेलपुरी खानी है। मैं भी चटोरी हूँ भैया, वैसे भैया को हंसी आ रही है। अच्छा मम्मी की फरमाइश थी, अच्छा लो बहना चटपटी भेलपुरी। धन्यवाद। चले। और ये हम रास्ते में रुके हैं, ये देखिए डैम कितना सुंदर है। अच्छा आप में से कितने लोग इस फ्रूट को पहचानते हैं? जो उत्तराखंड से है वही पहचानते होंगे। ये है चकोतरा, ये देखिए इस तरह से होता है ये, और इसकी चाट बनती है। तो अभी मैं इनसे चाट बनवा रही हूँ। क्या नाम है बेटे आपका? वंश। ओके तो वंश से मैं चाट बनवा रही हूँ, चकोतरे की चाट। बहुत टाइम हो गया खाए हुए चकोतरे की चाट। किस किस को पसंद है आप में से, कमेंट लिखकर बताइएगा जरूर। जो देहरादून से हैं, जो उत्तराखंड से, उनको तो पक्का पसंद होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। श्वेता खाएगी क्या? चाट बनवा रही हूँ मैं, एक प्लेट है? एक प्लेट बनवा रही हूँ, है ना, चख लेंगे। तो श्वेता भी आ गई चाट खाने के लिए। चाट जहाँ श्वेता वहाँ। सही बात है। और गाइस ये रही हमारी चकोतरे की चाट, यम 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 यम। ला रही हूँ पैसे। हाँ माँ, नहीं मैंने खा लो, नहीं आज श्वेता हम यहाँ रख के खाएंगे, प्रकृति का आनंद लेते हुए। पैसे दे दिए तूने? ओके कैसा है? अच्छा अच्छा है, टेस्ट बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है, हल्का चीनी के साथ, हल्की चीनी के साथ। गुड। मैं उसे बोल रही थी भैया ये रेड कलर का नहीं है, पता नहीं कैसा होगा। कहता नहीं मैडम अच्छा होगा, वाकई में काफी जूसी है और काफी टेस्टी है। चीनी के पूरे के साथ अच्छा लगता है।
खा रही है मम्मी, एक एक लिया हमने। और चाहिए मम्मी? बहुत ही टेस्टी है, लेकिन हम गोरखाली लोग इसे थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाते हैं, गोरखाली और पहाड़ी लोग भी। इसमें हम चटनी डालते हैं, हरी चटनी या फिर लाल चटनी, खुद चटपटा बनाते हैं, और सरसों का तेल भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं, गुड़ या फिर शक्कर कुछ भी डाल सकते हो। ये जो देख रहे हो ना आप, ये सपना मौसी जो अभी नहीं खा रही हैं, ये पहले मुझे बहुत खिलाती थी ये बना बना के। आजकल खट्टा नहीं खाती है, लेकिन पहले यही थी जो इतना इतना कटोरा भर भर के खाती थी। नेपाल में ना पहले बहुत सारा खा लिया ना, इसलिए नेपाल में ना इसमें दही और संतरा भी मिलाया खाते हैं। हाँ, काफी लोग करते हैं दही। मैंने भी जो बनाया था ना, तो मैंने इसमें दही मिलाया, दही संतरा डाल के, अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो क्या क्या खा लिया आज हमने, पराठे भी खा लिए, भेलपूरी भी खा लिया, चकोतरी की चाट भी खा ली। अब हम आगे जा रहे हैं आसान बैरेज में जाकर, दो बार चाय भी पी ली। खाते ही जा रहे हैं। लेकिन ये चकोतरी की चाट तो अच्छी थी, अच्छी थी, वैसी नहीं थी जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट कर रहा था, बढ़िया था। तो चलिए चलते हैं।